एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित पिलखनी गांव पड़ा। लगभग 4200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सोमनाथ हैं। लगभग 2400 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 106 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 250 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर, 22 सोलर लाइट व 25 LED लाइट भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, 10 सीसीटाइज रोड, प्राइमरी विद्यालय में शौचालय, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसीटाइज रोड, आंगनबाड़ी केंद्र, पानी की टंकी, रेलवे फाटक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान पिलखनी, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा विकास कार्य योजना के अंतर्गत, जैसे मैं भूतपूर्व पहले प्रधान रह चुका हूँ, दूसरी बार प्रधान हूँ, जो पहले कार्य थे वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब जो कार्य मैंने कराया उनके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर 200 मीटर के लगभग, दो किलोमीटर के लगभग सीसी कार्य कर चुका हूँ। उसके बाद में शमशान घाट में 1 किलोमीटर का खरौंदा लगवा चुका हूँ और आपका 250 वाट का, किलो वाट का एक ट्रांसफार्मर लगवाया अभी, और हैंडपम्प मैंने 20 हैंडपम्प रिपेयर कराए, 4 हैंडपम्प रीबोर कराए, और अभी सफाई कार्य चल रहा है। एक खड़ौंजा अभी नया लगने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 50% उसका काम पूरा हो चुका है, मिट्टी कार्य चल रहा है, और लाइटें, सौर ऊर्जा लाइट मैंने 22 लगवाई थी। उसके बाद में फिर मैंने सौर से लाइट से चलने वाली 15 लाइट जो लगवाई थी गाँव के अंदर, और शौचालय की डिमांड थी 300 के लगभग शौचालय की मैंने डिमांड की, सर्वे भी हो चुका है, मैं अभी मार्च में उसका काम शुरू हो जाएगा। एक शौचालय और था जो सामूहिक शौचालय था, उसकी रिपेयरिंग करवाई मैंने, उसको दोबारा चालू करवाया। पानी का समस्या यहाँ पर है ही है, पानी दूषित है, तो फैक्ट्री की वजह से पानी दूषित होने के कारण पूरा सारा गांव में जगह जगह बीमारी के कारण बनता है। मेरी डिमांड ये है कि हमें एक औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते, क्योंकि चारों तरफ औद्योगिक क्षेत्र बन चुके हैं, बिजली घर यहाँ पर है, एक तो मेरी समस्या यही है कि बिजली जो है, जब हमारे गांव में बिजली घर है तो इससे जुड़ी है हमारी बिजली, जिससे कि हमारे गांव के आसपास के लोगों को बिजली ठीक प्रकार से मिल सके। दूसरा, स्वच्छ पानी के लिए हमारे यहाँ एक टंकी, या तो टंकी या बोर, जैसी भी व्यवस्था हो सके जिससे कि पानी, स्वच्छ पानी गाँव वासियों को मिल सके। तीसरी समस्या मेरे पास यह है कि जो हमारा रेलवे क्रॉसिंग का रास्ता था, जो फाटक थी 90 फाटक थी, वो रेलवे द्वारा बंद कर दी गई है, जिसमें गांव वासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत दूर से जा करके, 3 किलोमीटर दूर जा करके आना जाना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि रेलवे प्रशासनिक अधिकारी व रेलवे अधिकारी मिलकर के उस अंडर पास का प्रपोजल रखें, जिससे कि गाँव वासियों को आवागमन में कोई सुविधा असुविधा न हो।